अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का चौथा लेक्चर है पावर। पिछले लेक्चर में आपने तीन लेक्चर्स में आपने वर्क के हवाले से वर्क के बारे में पढ़ लिया था सारा कुछ। तो अब हमारा नया टॉपिक है एक पावर का। पावर किसे कहते हैं हम? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितना वर्क हुआ है। ठीक है, एक बॉडी है वो 100 जूल वर्क करती है, 100 जूल वर्क करती है, 10 सेकंड लगाती है, 10 सेकंड लगते हैं उसको 100 जूल। और एक दूसरी बॉडी है वो भी 100 जूल वर्क करती है लेकिन 1 सेकंड में। एक 100 जूल वर्क करती है उसको 10 सेकंड लगते हैं, और एक 100 जूल वर्क करती है 1 सेकंड में कर लेती है। ठीक है, तो किसकी पावर ज़्यादा हुई? जो 1 सेकंड में करती है। समझ आ गई? या दूसरी एग्जांपल आप समझें, एक है हमारे पास मोटरसाइकिल, एक बाइक है, ठीक है, और एक है मर्सिडीज गाड़ी। दोनों ने 100 किलोमीटर करने हैं, बाइक ने भी मर्सिडीज ने भी। बाइक 100 किलोमीटर करती है तो इसको लगते हैं 80 मिनट्स, मर्सिडीज 100 किलोमीटर करती है तो इसको लगते हैं 30 मिनट्स। फर्ज करें तो किसकी? तो मर्सिडीज का क्या ज्यादा है पावर? क्यों? ये देखें, ये थोड़े टाइम में उतना वर्क कर देती है। तो कितने टाइम में कितना वर्क हुआ है, इसे हम कहते हैं जी पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एक आदमी 100 जूल काम करता है और उसको लगते हैं 5 मिनट। 100 जूल काम उसने किया है 5 मिनटों में, उसकी पावर कैलकुलेट कर लें। और एक आदमी, उसने 100 जूल काम किया है 2 मिनट में कर दिया है, तो किसकी पावर ज़्यादा है? जिसने 2 मिनट में किया है। समझ आ गई बात की? तो वर्क डन पर यूनिट टाइम इस कॉल्ड क्या है जी? पावर। अच्छा, नेक्स्ट इसका यूनिट इसका क्या है? पहले मैं चलें इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको, एक तरतीब से लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। फार्मूला क्या है? वर्क पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क भी इसको कह सकते हैं हम। उसके बाद इसका यूनिट निकालें जी। पावर का यूनिट होता है वाट। पावर का यूनिट क्या है? वाट। ये साइंसदान का नाम था, उस साइंटिस्ट के पीछे इसका नाम है। वर्क जूल, टाइम सेकंड। ठीक है जी, यहाँ पे वाट की डेफिनेशन भी कर लें। पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। ये इसका यूनिट आ गया। नेक्स्ट इसकी डायमेंशंस, डायमेंशंस का पता है? जूल की डायमेंशन होती है ML2T-2। ये देखें, ML2T-2 जूल की डायमेंशन, और नीचे सेकंड की टाइम, तो ये ऊपर आके ये ML2T-2 1 है, ऊपर आके -1, तो ये -2 -1 कितना हो जाएगा जी? -3। ये इसकी डायमेंशन आ गई। सर ये जूल की ML2T-2 कैसे है? चलें ये भी देख लें ज़रा रफा अमल में। जूल होता है बेटे न्यूटन मीटर। जूल क्या होता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या है? KgMS-2। ये कैसे KgMS-2 है? आपने पढ़ा हुआ है F इज इक्वल टू ma। फोर्स का यूनिट न्यूटन, मैस का kg, एक्सेलेशन का ms-2। तो न्यूटन की जगह लिख सकते हैं KgMS-2 और साथ में m, तो ये बन गया kgm और m स्क्वायर S-2, किलोग्राम M, मीटर लेंथ L, स्क्वायर T-2, ML2T-2। ये होती है जी जूल की डायमेंशन। ये मैंने लिखा है ML2T-2, सेकेंड की टाइम, ये ऊपर आके -1 हो गया, तो ML2T-3 ये पावर की डायमेंशन होगी। उसके बाद नेचर देखें, वर्क स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर भी कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी। तो
तो ये पावर के हवाले से ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। पावर का कॉन्सेप्ट भी बन गया कि कितने टाइम में कितना वर्क होता है। अगर थोड़े टाइम में कर लेते हो 100 जूल वर्क थोड़े टाइम में कर लेते हो तो आपकी पावर बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है तो पावर आपकी फिर कम है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट एवरेज पावर का। एवरेज पावर ये क्या होती है जी? देखिए, पहले 5 मिनट में आपने वर्क किया है जी 10 जूल, अगले 5 मिनट में आपने वर्क किया है जी 20 जूल, अगले 5 मिनट में आपने वर्क किया है जी आप कह लें कि 30 जूल। ठीक, तो आपकी पावर क्या हुई? पाँच, आप 10 जूल कहेंगे 20 या 30। इस केस में आप क्या करेंगे, टोटल वर्क को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे, टोटल वर्क आप एवरेज मालूम कर लेंगे ना। एक जैसी पावर जो नहीं है तो फिर इस केस में आप एवरेज फाइंड कर लेते होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एवरेज पावर। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। ठीक है, कैसे इसकी आप कैलकुलेट कर लें, 10, 20, 30 टोटल वर्क, ये मैं मिनट में ही कैलकुलेट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वैसे इसको सेकंड में लेके जाएंगे, 5 + 5 + 5 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये हो गया 60 और नीचे कितना हो गया 15। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास एवरेज पावर। इससे नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट हमारा इंस्टेंटेनियस पावर का। इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी टाइम पे आपने किसी भी टाइम पे पावर फाइंड कर ली, ठीक है, किसी बॉडी की किसी भी टाइम पे पावर फाइंड कर ली, वो इंस्टेंटेनियस। पावर ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, पावर ऑफ अ बॉडी, पावर ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। या जैसे आपने पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह में पढ़ा था कि ये देखिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेकिन ये आपने बहुत छोटे टाइम के लिए इसको देखा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। मैं अभी आपको समझाता भी हूँ, इसको देखें, इसको क्या है, ये क्या डेफिनेशन बनी, इसको छुपा लें, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज कॉल्ड क्या है जी, इंस्टेंटेनियस पावर। हम क्या करेंगे, मैं आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। कोई भी बॉडी ये वर्क करती है, आपने इसको चेक करना है बहुत थोड़े टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए आपने इसको चेक किया, वैसे इससे भी थोड़े टाइम के लिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, आपने 1 सेकंड के लिए इसको चेक किया, तो इसने वर्क पता कितना किया, 10 जूल। ठीक, आपने किसी भी टाइम पे आके किसी 1 सेकंड, कोई भी 1 सेकंड आपने चेक कर लिया, किसी भी टाइम आके ना आपको 1 सेकंड में देखा इसने कितना वर्क किया, 1 सेकंड में 10 जूल किया, तो आप इसकी पावर फाइंड कर लें। पावर क्या हो जाएगी, वर्क ओवर टाइम, तो ये 10 वाट, ये इसकी इंस्टेंटेनियस पावर होगी, जो आप किसी भी टाइम पे आके चेक कर लेते, किसी भी टाइम पे वर्क, किसी भी टाइम पे उसका वर्क और उसका टाइम, इन दोनों को डिवाइड किया तो इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये था इंस्टेंटेनियस पावर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक MCQs है कि पावर का एक यूनिट और भी है वाट के अलावा, वो है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ये बड़ा यूनिट है, ठीक है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये एक MCQs के तौर पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा एक प्रूफ आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में पावर का, एक और फार्मूला बनाने के लिए कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू F डॉट V, पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये देखेंगे ये कैसे करते हैं। आपको पावर का फार्मूला पता चल गया, लिमिट इंस्टेंटेनियस पावर का, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। ठीक है जी, आप लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वर्क की जगह लिख सकते हैं एफ डॉट डी ओवर डेल्टा टी,
फर्ज करें कोई बॉडी है उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स लग रही है, लेट अस कॉन्सिडर अ कॉन्स्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी, क्योंकि ये देखिए डेल्टा डब्ल्यू है ना, डेल्टा डब्ल्यू, तो मैंने इसको जब ओपन किया तो एफ डॉट डेल्टा, मैंने एफ के साथ डेल्टा नहीं लिखा इसलिए क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंट है। अच्छा इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर दें, पी इज इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है इसको लिमिट से बाहर निकाल लें, डॉट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, जी पी इज इक्वल टू एफ डॉट, हाँ जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये पावर की एक और डेफिनेशन बन गई, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। इसको अगर ओपन करेंगे तो एफ वी कॉस थीटा, ये हमारे पास पावर का एक और फार्मूला जनरेट हो गया। तो ये था जी आपका पावर का टॉपिक, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।